अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आटम 2019 के एडमिशन करवाने की लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से एडमिशन जा रहे हैं। हम इस वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे ताकि तमाम तर स्टूडेंट्स को इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको आपके लिहाज से मालूम मिल सके। अगर आप वीडियो को छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ दें या स्किप कर दें, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से महरूम हो जाएंगे। दोस्तों, अब आटम 2019 में इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसमें फ़्रेश एडमिशन भी हो रहे हैं, इसमें कंटिन्यू एडमिशन भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक एफ़ए के हवाले से बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैट्रिक एफ़ए के जो फ़्रेश एडमिशन है वो इस वक्त नहीं जा रहे, वो क्लोज़ हो चुके हैं। अब वो अगले साल 15 जनवरी 2020 से जाएंगे। अभी जो है वो कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन जा रहे हैं 50% एक्स्ट्रा फीस के साथ। तो जिन बच्चों के एडमिशन रह चुके हैं, जिनको अभी तक ये इलम नहीं हुआ कि उन्होंने अपना अगले सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, बहुत सारी रीज़न है, किसी भी रीज़न की वजह से आपका एडमिशन अभी तक जमा नहीं हुआ बैंक में, तो आपके पास आज लास्ट डेट है अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कल तक बैंक में जमा करवाने के लिए। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करते हैं उसकी डिटेल को जनरेट होकर बैंक तक जाने के लिए कम से कम एक दिन लगता है। तो आज आप ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करेंगे, चलान बनाएंगे, तो कल तक आप जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये मौका भी खो देंगे। अब बात कर लेते हैं बीए, बीएस, मास्टर, एसोसिएट डिग्री, बीएड, एमएड वगैरह की। दोस्तों, इसके फ्रेश एडमिशन भी जा रहे हैं, इसके कंटिन्यू एडमिशन भी जा रहे हैं। जो बच्चे फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास एक दिन रह गया है। अब कल तक वो अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस ला सकते हैं। इनके फॉर्म को जनरेट होने में एक दिन नहीं लगता, तो आप कल तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस लेकर भी फॉर्म हासिल कर सकते हैं और कल ही जमा करवा सकते हैं बैंक में। अदरवाइज़ आपके पास भी जो मौका है वो भी निकल जाएगा। तो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो वैसे ही जमा करवा दे और ऑब्जेक्शन में क्लियर कर ले, तो अपने एडमिशन आप इस तरह जमा करवा सकते हैं जो फ्रेश स्टूडेंट हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन लेना है, स्प्रिंग 2019 में उन्होंने पहला भेजा था या कोई भी भेजा था, अब उनका आटम 2019 में अगला सेमेस्टर जाना है, तो इनके पास भी आज की मोहलत है, वो अपना आज तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको घर पे फॉर्म आ गया तो उसकी कोई टेंशन ना लें, वो आप जमा करवा दें, मज़ीद वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डे जो है वो बैंक बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लास्ट डे में बैंक जो है वो आपकी फ़ीस नहीं जमा करते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अभी आज के दिन आप कोशिश करें कि जिन बच्चों की एडमिशन जमा करवाने वाले रह गए हैं, वो फौरी तौर पर जाके अपने एडमिशन को क्लियर करने की कोशिश करें। इसके अलावा जिन बच्चों को घरों पर फॉर्म नहीं मिले, वो ऑनलाइन आज का दिन जनरेट कर सकते हैं अपना फॉर्म। आज उनकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करने की, कल तक वो जमा करवा सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एक दिन लगता है आपकी मालूमात यहाँ से बैंक तक जाने के लिए, कंप्यूटर पे जनरेट होने के लिए, तो आपने आज फॉर्म जनरेट किया होगा तो कल तक जमा होगा, ठीक है। जिन बच्चों की मिस्टेक हो जाती है, वो दोबारा फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं, तो आज के दिन तक उनके पास मोहलत है, आज आप जनरेट कर लें तो कल आप जमा करवा सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई बैंक आपको ये कहता है कि आपकी डिटेल नहीं आ रही, आपकी डिटेल में मसला आ रहा है, या हम अभी फ़ीस नहीं जमा कर रहे, हमारा कंप्यूटर जो है, सर्वर जो है वो डाउन है, कंप्यूटर ख़राब है, तो आप उनको पहले ये कहें कि सर हमारी जो है वो फ़ीस आपकी वजह से रह जानी है। तो ये जो लेम एक्सक्यूज़ है ना, ये आप ना बनाएं, आप इसको फ़ीस जमा करें। अगर वो स्टिल जमा ना करें तो आप किसी दूसरी ब्रांच में जाएं, वहाँ पे भी जमा ना करें तो आप चले जाएं फिर अपने इलाकाई दफ्तर, उनको कहें कि मैं 2-3 ब्रांचेस में गया हूँ, मेरी वो फ़ीस जमा नहीं कर रहे, तो बराए मेहरबानी ये मेरी फ़ीस का सलूशन बताएं। तो वह आपको कहेंगे हमारे पास जो बैंक है आप वहाँ पर जाके जमा करवा दें। तो इस तरह आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। और आप बैंक वालों को कहा करें कि ये तो चलान मैंने 10 दिन पहले जनरेट किया, उस पर कौन सी डेट होती है, तो अभी तक मेरी डिटेल नहीं आई। बेशक आपने आज किया हो, उन्हें कहें कि जी 10 दिन पहले किया, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि लेम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, कोई उनके सर पैर नहीं है, फजूल उनके एक्सक्यूज़ हैं कि ये कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, आपकी डिटेल नहीं आ रही, ये सब जो है वो फजूल है,
दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया हो कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन, और आपने कल तक फ़ीस अपनी जमा करवा देनी है 15 अक्टूबर 2019 तक। आज आप 14 अक्टूबर 2019 तक अपने फॉर्म जो है वो जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।